हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म गेट 23 स्टूडेंट्स जिन्होंने भी गेट 23 बहुत ही अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, जो फर्दर एमटेक करना चाह रहे हैं, जो फर्दर किसी आईआईटी या किसी नेशनल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट में अपना आपको देखना चाह रहे हैं, वो ये पोर्टल जरूर फिल कर दे। एक्चुअली ये चीजें हमने बता ही दी थी ऑलरेडी, बट स्टिल अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स हमें फोन कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ। आपको सिंपली COAP23 डालना है गूगल पे और आपको ये कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो कि ये जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, इसका आइडिया क्या है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करने से बेहतर है, यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके हेल्प से अप्लाई कर लीजिए। अब जो एस्पायरेंट्स, बहुत से एस्पायरेंट्स को पता है, जिनको भी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा बता देती हूँ उनके लिए कि आपको COAP कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल ये 2017 में स्टार्ट किया गया है, ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एमटेक प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, किसके लिए, एमटेक प्रोग्राम के लिए, सो जो भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनने भी बैचलर्स में अपना मास्टर्स क्लियर किया है, आप लोग इस स्कोप में रजिस्टर कर सकते हैं। COAP कोप में रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। एंड देन यू कैन अप्लाई टू योर एडमिटिंग इंस्टीट्यूट यूजिंग योर कोप आईडी, सो यू हैव टू जस्ट रजिस्टर। तो देखो अभी आपके पास तो कोप आईडी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात कर रही हूँ तो यू कैन जस्ट साइन इन, ओके, अगर मैं बात कर रही हूँ तो रजिस्टर करो पहले, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं है तो रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आपको गेट डिटेल्स सारी बातें बताई जाएगी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, और दिस इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ हियर, ओके। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अब देखो इस रजिस्ट्रेशन की डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं हम। जो भी स्टूडेंट्स एमटेक प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें ये पोर्टल में जरूर रजिस्टर कर लेना चाहिए अपने आप को। देखिए टाइम विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू व्यू ऑफर एंड टेक डिसीजन, ठीक है, सो मई में आएगा ऑफर, मई 2022, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट, ठीक है। आपके पास तीन ऑप्शंस रहेंगे मेन राउंड्स और ऑफर्स के लिए, अभी फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। 2027 में 3rd जून, 10th जून और 17th जून, ठीक है, दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ मेन राउंड्स। उसके बाद हमने क्या बोला है, एडिशनल राउंड्स भी हो सकते हैं। ये मेन राउंड्स मींस द काउंसलिंग राउंड, ठीक है, आपकी प्रोफाइल में ब्लिंक करेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, आपकी प्रोफाइल में ब्लिंक करेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, तो COAP पे जरूर रजिस्टर करिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिन्हें भी एमटेक में एडमिशन लेना है, जिन्होंने भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से क्लियर किया है, जरूर इसमें रजिस्टर करिए, और ये इसका पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो 23rd जून, 25th जून में आप क्या कर सकते हो, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एडिशनल राउंड ऑफ ऑफर्स, दीज आर वॉट, मतलब ये टेंटेटिव शेड्यूल किसके लिए होगा, जिन पे मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगी, जो मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग करेंगे उनके लिए वो डिसाइसिव राउंड रहेगा, ठीक है। किसी किसी आईआईटीज में अगर उन्हें वैकेंसी सीट फिल करना है तो एक और एडिशनल राउंड वो लगवा सकते हैं। सो COAP क्या है, COAP क्यों है, ये क्वेरी क्लियर हो गई है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, इंट्रोडक्शन, जनरल गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस। ये देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो IIT खड़गपुर इज द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, 24 ऑफ देम, कितने इंक्लूडेड है, चलो मैं बता देती हूँ कितने इंक्लूडेड है, आ जाइए इधर देख लो, है ना, कितने इंक्लूडेड है, वेट अ सेकेंड, कितने इंक्लूडेड है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे 24 ऑफ देम आर इंक्लूडेड, कितने इंक्लूडेड है, 24 ऑफ देम आर इंक्लूडेड, राइट फ्रॉम ISC बैंगलोर, IIT भिलाई, BHU बॉम्बे, दिल्ली, धारवाड़, भुवनेश्वर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, धनबाद, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रूपर, गांधीनगर एंड तिरुपति। सो जो भी IIT को आप टारगेट कर रहे हैं या आपके स्कोर के बेसिस पे आपको जो भी IIT मिल सकती है वो यहाँ पर प्रॉपर दी गई है, ठीक है। कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, 23 का भी हो सकता है, 22 का भी, 21 का भी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे क्या है, 3 साल की वैलिडिटी होती है ना गेट स्कोर की, ठीक है। अब देखो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूरी इंफॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है। इसको जरूर रीड कर लो, फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दोगे तो भी चलेगा, ओके डियर एस्पायरेंट्स। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप अपने आप को COAP पे जरूर रजिस्टर कर लिए। दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम, दिस इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन विच आईआईटीज टुगेदर हैव टेकन दी स्टेप इन द ईयर 2017, जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं एमटेक प्रोग्राम के लिए। कोई भी दिक्कत हो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।